धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज आयुष्मान भारत योजना के देश के करोड़ों गरीब वंचित बीमारियों को पीड़ित परिवार को उक्त योजना से लाभ मिलता है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी सोच और गरीबों के प्रति समर्पण के प्रतिबद्धता करता है। महोदय, जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसा अस्पताल है जिनका करोड़ों रुपया भुगतान नहीं होने के कारण अस्पतालों का गरीब की इलाज होना बंद हो गया? ऐसा अस्पताल निम्नलिखित है: बर्मानंद हॉस्पिटल सरायकेला, मेडिटिना हॉस्पिटल सरायकेला, गंगा मेमोरियल जमशेदपुर, दया आयसन जमशेदपुर और अपूर्व आयसन जमशेदपुर, साकेत हॉस्पिटल जमशेदपुर, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड जमशेदपुर, मेहरबाई टाटा जमशेदपुर, डॉक्टर डी मिश्रा यूरोलॉजिस्ट जमशेदपुर। विदित मामलों को पिछले सत्र के दौरान भी मैंने उठाया था। मैंने धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को, जिन्होंने मुझे अपने पत्रांग अर्धशती का प्रमुख संख्या 12012/57/2022 दिनांक 5 दिसंबर 2022 को माध्यम से सूचित किया कि उपरांत संबंधित अस्पतालों भुगतान किया जाएगा, परंतु अस्पतालों का भुगतान अभी तक नहीं होने से इलाज के वाले गरीब मरीजों का काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ऊपर अस्पतालों का आयुष्मान भारत योजना के तहत बकाया राशि भुगतान अविलंब कराए कृपा की जाए, ताकि इन अस्पतालों को विभिन्न बीमारियों को पीड़ित गरीब परिवार को समुचित इलाज हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।